गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे आई विल टीच यू क्लास 9 लेसन 7 मेघाय, जो कि आपके पदखंड का 7 नंबर चैप्टर है। ठीक है, जिसके कवि कौन हैं? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना हैं। कुछ जो हार्ड शब्द हैं या शब्दार्थ हैं वो मैंने बोर्ड पे राइट कर दिए हैं। ओके, और अब ये लेसन रीड करते हैं। रीड करने से पहले, इस कविता को रीड करने से पहले हम कवि परिचय के बारे में पढ़ेंगे कि जो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है उसका जीवन परिचय क्या था। तो इसके लिए आप क्या करोगे, फर्स्ट ऑफ आप अपनी बुक ओपन कीजिए और स्टार्ट कीजिए रीड करना। ठीक है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में सन 1927 में हुआ था। उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा ग्रहण की थी। आरंभ में उन्हें आजीविका हेतु बहुत संघर्ष करना पड़ा था, यानी जो शुरुआती उनका जीवन था, जिस समय उनको आजीविका कमानी थी, उस समय का जीवन उनका बहुत संघर्षपूर्ण माना जाता है। बाद में इन्होंने जो दिनमान के उप संपादक एवं चर्चित बाल पत्रिका पराग के संपादक बने थे, यानी बाद में उनका जो थोड़ा काम था वो अच्छा हुआ कि उन्होंने दिनमान और पराग के क्या बने, उप संपादक और संपादक बने थे। लेकिन 1983 में इनका आकस्मिक अर्थात अचानक निधन हो गया। काठ की घंटियां, बांस का पुल, एक सुन्नी नाव, गर्म हवाएं, कुआनो नदी, जंगल का दर्द, खूंटियों पर टंगे लोग उनके प्रमुख कविता संग्रह माने गए हैं। नई कविता के प्रमुख कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने उपन्यास, नाटक, कहानी आदि प्रचुर मात्रा में बाल साहित्य भी लिखा है। दिनमान में प्रकाशित चर्चे और चरखे स्तंभ के लिए सर्वेश्वर बहुत ज़्यादा चर्चित रहे थे, अर्थात ये उस समय चर्चे और चरखे की वजह से बहुत ज़्यादा प्रचलित या प्रसिद्ध हुए थे। उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। सर्वेश्वर के काव्य में ग्रामीण परिवेश के साथ शहरी जीवन बोध और शहर के मध्यम वर्गीय जीवन बोध भी व्यक्त किया गया है। यह बोध उनके कथ्य में नहीं, भाषा में भी दिखाई देता है। सर्वेश्वर की भाषा सहज और लोक प्रचलित मानी जाती है। अब जो इन्होंने सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने अपनी कविता लिखी है उसमें किसका वर्णन किया गया है, इसके लिए पाठ परिचय पढ़ेंगे। संकलित कविता में कवि ने मेघों के आने की तुलना सज धज कर आए प्रवासी अर्थात अतिथि के रूप में व्यक्त की है। ग्रामीण संस्कृति में दामाद के आने पर उल्लास का जो वातावरण बनता है, मेघों के आने से यानी बादलों के आने से वो सजीव वर्णन करते हुए कवि ने उसी उल्लास का वर्णन किया है। अब ये जो कविता है मेघाय कविता में जो मेघों को अतिथि के रूप में दर्शाया गया है, ठीक है, और इस पूरी कविता के अंदर मानवीकरण किया गया है। ठीक है, मानवीकरण के साथ साथ इस कविता में पूरे ग्रामीण परिवेश का भी वर्णन किया गया है कि गांव में किस प्रकार जब शहर से कोई व्यक्ति आता है या बहुत दिनों के बाद में कोई प्रवासी व्यक्ति आता है शहर से, तो उसका कैसे आदर सत्कार किया जाता है, किस प्रकार उसको देखा जाता है, कैसे लोग उसका सम्मान करते हैं, उसके बारे में बताया गया है। मानवीकरण का मतलब क्या होता है, किसी भी निर्जीव वस्तु को सजीव रूप में दर्शाना या उसका वर्णन करना क्या कहलाता है, मानवीकरण कहलाता है। व्याकरण के अंदर मानवीकरण अलंकार होता है। ठीक है, अब ये कविता शुरू करते हैं, इसके लिए आप इसको ध्यान से सुनेंगे और पढ़ेंगे। मेघ आए बड़े बनठन के समर के, अर्थात यानी मेघ रूपी जो अतिथि है, मेघ रूपी जो मेहमान है, वो बहुत बनठन के समर के सज के और पूरे सौंदर्य के साथ क्या हुए हैं, आए हैं, यानी आसमान में जो बादल हैं वो पूरी काली घटाओं के साथ गिरकर आ चुके हैं।
आगे आगे नाचते गाते बाजार चली। और जब मान लो कोई मेहमान आता है गांव के अंदर तो क्या होते हैं, उसकी खबर जैसे पूरे इस गांव में फैल जाती है ना तेज गति से कि आज शहर से कोई आदमी आया। तो गांव तो क्या होते हैं, छोटे होते हैं, शहरों में तो लोगों को पता ही नहीं चलता कौन कहां से आया, लेकिन गांव क्या होते हैं, छोटे होते हैं। इस कारण क्या होता है, पूरे गांव में ये खबर तेजी से फैल जाती है कि गांव में कोई शहर से मेहमान आया है। तो जैसे ही मेघ रूपी मेहमान आते हैं, आने से पहले क्या हो गई कि तेज तेज हवा चलने लग गई, बयार अर्थात हवा चलने लग गई। तो उसकी खबर क्या होती है, बादलों के आने की खबर कौन दे देती है, हवा पहले ही दे देती है। यानी जैसे ही कोई मेहमान शहर से आता है तो उसकी जो खबर गांव में तेज गति से फैल जाती है। दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली, और हर एक गली के अंदर जैसे ही शहर से कोई मेहमान आता है, हर एक गली के अंदर क्या होते हैं, दरवाजे और खिड़कियां लोग खोल खोल कर देखने लग जाते हैं। ठीक है, कोई अपने घरों की खिड़कियों में से देखता है, कोई दरवाजों में से देखता है, कोई छुपके कहीं से देखता है, कोई गलियों से देखता है, तो ऐसे करके उस मेहमान को देखने लग जाते हैं। तो उसी प्रकार जैसे ही मेघ आए हैं तो गाँव के लोग क्या हो गए, अपने दरवाजे और खिड़कियाँ खोल के मेघ रूपी मेहमान की तरफ देखने लग गए। पाहुन जो आए हो गांव में शहर के, ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई अतिथि, ठीक है, शहर का कोई अतिथि क्या आ गया है, गांव में आ गया है। ठीक है, यानी जो शहर से अतिथि हैं वो बहुत सारे उपहार लेकर या कई दिनों के बाद में गांव में आ गया है। मेघ आए बड़े बनठन के समर के, अर्थात जो मेघ रूपी मेहमान है वो बहुत सज धज कर समर कर आ चुका है। पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए, अब जैसे ही मेघ रूपी मेहमान आए तो क्या होते हैं, पेड़ों में भी एक क्या आ जाता है, उल्लास आ जाता है कि अब बरसात होगी, बारिश होगी, तो पेड़ भी क्या करते हैं, झुक कर झांकने लग जाते हैं। तो हर एक जो लोग होते हैं गाँव में, जो शहर से कोई मेहमान आता है तो उसको क्या करते हैं, झुक झुक कर उसको देखने लग जाते हैं, अपनी गर्दन एक तक उसकी ओर करके खड़े हो जाते हैं। आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए, और जैसे ही मेघ रूपी मेहमान आते हैं, अब देखो जैसे मान लो शहर से कोई आता है या कोई प्रवासी आता है बहुत दिनों के बाद में गांव में आता है, तो वो क्या करता है, गांव वालों के लिए कोई गिफ्ट लेके आता है, उपहार लेके आता है, किसी के लिए कुछ लेके आता है, ऐसे बहुत सारा सामान लेके आता है। तो मेघ भी क्या करता है, जब बादल आते हैं तो उससे अपने साथ क्या लेके आता है, आंधी लेके आता है। ठीक है, आंधी चलती है, धूल उड़ती है और हवा चलने लग जाती है। तो उसी प्रकार इन्होंने क्या बताया है कि जो मेघ रूपी मेहमान है वो आया है, आ रहे हैं, आता है या जो आया है उसके साथ ही पहले क्या आती है, आंधी चल रही है, ऐसा लग रहा है बहुत तेज आंधी आई है। और आंधी क्या करती है कि आंधी के अंदर जैसे आंधी चलती है तो क्या होता है, एक जगह गोल गोल कचरा इकट्ठा करते हैं और वो कचरा क्या करते हैं, अपने साथ आंधी के साथ उड़ के आगे चला जाता है। तो उसको उन्होंने क्या कहा है कि भागी घाघरा उठाए, और वो आंधी के साथ जो मिट्टी होती है वो क्या होती है, गोल गोल होकर उड़ने लग जाती है। बांकी चितवन उठा नदी ठिठकी घूंघट सर के, बांकी चितवन यानी वो तिरछी नज़र से, ठीक है, जो लोग हैं उनको तिरछी नज़र से देखते हैं, नदी ठिठकी, और नदी में भी क्या होती है, एक खुशी आ जाती है, वो भी शर्माने लगती है घूंघट सर के। और जब कोई मेहमान आता है तो गांव में औरतें क्या होती है, घूंघट उठा के उसको देखने लगती है। ठीक है, यानी एकदम सीधे जाके उसको नहीं देखती है, यानी घूंघट से धीरे धीरे क्या होती है, घूंघट उठा के धीरे धीरे उस मेहमान को देखती है। तो जैसे ही मेघ रूपी मेहमान आते हैं तो औरतें घूंघट उठा के या घूंघट धीरे धीरे हटा कर उसको देख रही है। मेघ आए बड़े बनठन के संवर के, अर्थात जो बादल होते हैं वो बहुत बनठन के और संवर कर आए हैं। बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की, यानी बूढ़ा पीपल यहाँ पे किसके लिए आया है, बड़े बुजुर्ग के लिए आया है कि गांव में जब कोई मेहमान आता है, कोई अतिथि आता है, तो गांव का जो बूढ़ा बुजुर्ग होता है वो क्या करता है, आगे बढ़कर उसका आदर सत्कार करता है, गर्दन झुकाकर उसको नमस्कार करता है। ठीक है, तो उसी प्रकार बूढ़े पीपल ने क्या की, आगे बढ़कर मेघ रूपी अतिथि के आदर सत्कार किया। बरस बाद शुद्धि लीनी बोली अकुलाई लता ओट की किमाड़ की, कि अब जब लता को यहाँ पे क्या बताया गया है, नायिका बताया गया है। ठीक है, उसने क्या कहा है, और नायिका ने क्या कहा, दरवाजे की ओर से किमाड़, अर्थात दरवाजे की ओर से क्या किया उन्होंने, उसे शिकायत कर रही है
किसको कर रही है? हाँ, अतिथि को शिकायत कर रही है। अकुलाकर यानी बहुत ज़्यादा दुखी होकर उसे शिकायत कर रही है कि इतने बरस के बाद में, इतने दिनों के बाद में आपने मुझे याद किया है, मेरा स्मरण किया है। यानी जब गाँव में कई दिनों से बारिश नहीं होती है, कई दिनों तक बरसात नहीं होती है, और अचानक जब बादल आते हैं तो जो दरवाज़ों पे या दीवारों पे जो लताएं बढ़ रही होती है, तो वो क्या करती है, उसकी ओट में है, उसमें छिप कर क्या कहती है, ऐसे लगता है उसे कह रही है कि आपने बहुत दिनों के बाद में मेरी सुध ली है। हरसाया ताल, लाया पानी परात भर के। अब जो सरोवर है वो भी बहुत खुश होता है। क्यों खुश होता है? क्योंकि अब जैसे ही बरसात आएगी तो वो भी क्या हो जाएगा, वापस भर जाएगा। यानी जो ताल सूख चुका है, जो सरोवर सूख चुका है, वो जैसे ही बरसात आएगी तो वो क्या होगा, पूरा भर जाएगा। तो ऐसे लगता है कि जैसे ही बरसात आएगी वो पूरा तालाब भर जाएगा या सरोवर जो पानी से भर जाएगा। तो जो मेघ रूपी मेहमान है, ऐसे लग रहा है उस मेहमान के पैर धोने के लिए परात में पानी लेकर आया है। यानी जब कोई मेहमान आता है, अतिथि आता है कई दिनों के बाद में, तो घरों में क्या करते हैं, परात में पानी ला के उसके पैर धोते हैं, उसका सम्मान करते हैं। तो ताल भी इसी प्रकार खुश हो रहा है। मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। अर्थात मेघ रूपी मेहमान जो है बहुत बन ठन कर और संवर कर आए हैं। क्षितिज अटारी गहराई दामिनी दमकी। अब जिस प्रमाण से उन्होंने ऐसे कहा है कि जैसे मेहमान होता है, ठीक है, अटारी के ऊपर चढ़ जाता है, तो ऐसे लग रहा है कि बादल भी क्या हो रहे हैं, यानी आसमान से नीचे और ज़मीन से ऊंची हैं। तो ऐसा लग रहा है कि वो मतलब अटारी पे चढ़ गए, जो मेघ रूपी मेहमान है अटारी पे चढ़ चुका है, और अब चारों तरफ क्या हो रही है, बिजलियाँ चमकने लग गई है, यानी बिजली चमक रही है। क्षमा करो गांठ खुल गई भरम की। अब क्षमा करो यानी अब ऐसे था कि अब कभी बरसात आएगी नहीं, बारिश आएगी नहीं, तो लोगों के मन में यह भ्रम था कि अब तो शायद कभी बरसात आएगी नहीं। यानी लोगों के मन में मानवीकरण के अनुसार उन्होंने क्या बताया है कि ऐसे लग रहा है कि प्रवासी को गए हुए बहुत टाइम हो गया, अब नायिका को ऐसे लगने लग गया है कि वो अब वापस आएगा ही नहीं। लेकिन ये जो उसका भ्रम था कि वापस नहीं आने का या बरसात नहीं आने का, तो वो भ्रम क्या अब क्या हो चुका है, टूट चुका है। क्यों टूट चुका है? क्योंकि मेघ रूपी अतिथि अब आ चुके हैं। बांध टूटा झरझर मिलन के अर्शु डर के। अर्थात अब क्या हो गया कि जो सब्र का जो बांध था वो टूट चुका था, अर्थात मेघ आ चुके थे और बरसात आ रही थी, यानी बारिश होने लगी थी। अर्थात क्या हुआ कि जो नायिका और नायक के मिलन से ऐसा लग रहा था कि जो खुशी के आंसू है वो नायिका की आंखों से निकलने लग गए थे। अर्थात बरसात आनी शुरू हो गई थी, मेघ रूपी मेहमान आ चुके थे। मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। अर्थात जो मेघ रूपी मेहमान हैं वो बहुत बन ठन कर और संवर कर आ चुके हैं, और अब गांव में चारों तरफ हरियाली ही हरियाली होगी। तो इस प्रकार आपका ये लेसन है वो कंप्लीट होता है। सो टुडे योर होमवर्क, रीड लेसन 7 एंड फाइंड क्वेश्चन आंसर। थैंक यू, हैव नाइस डे।